Hello, brother. Hello, brother. Ha! Hello, brother. We are treating it very international. We are treating it internationally. बहन चूतड़ों पे गुलाब जल और सनस्क्रीन लगाने से चूतड़ मुंह नहीं बन जाते, इसी तरह बुरे शोज अच्छे कैमरे से शूट करने से अच्छे नहीं बन जाते। चूतड़ों पे गुलाब जल और सनस्क्रीन लगाने से चूतड़ मुंह नहीं बन जाते। We have things which are very different. Of course, सही तो कह रही है, इन्होंने कुछ नहीं लिया DVD से, देख लो। It's okay. कुछ भी नहीं आ रहा मेरे साथ, क्या हो रहा है? एक ही सीन लिया होगा। तुम हिम्मत हार सकते हो लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। Definitely, I'm not gonna give up on you. I believe in you. चलो एक दो सीन तो चलता है, और तो ज्यादा कुछ होगा नहीं, है ना? Taken from Twilight or Vampire Diaries. Attitude देख रहे हो मोहतरमा का है? हमने नहीं लिया Twilight से कुछ, हाँ हाँ DVD से हम क्यों लेंगे? अरे पहाड़गंज की पापी गुड़िया, झूठ बोलने से पहले सोच तो ले, तेरे दिमाग की CNG खत्म है क्या? Graph is so tight कि आपको iconic shows याद आते हैं. It's but natural. अबे 30% of Arjun Kapoor iconic shows तो याद आएंगे ही ना, तुम्हारा ये कचरा देख के जब तुम सीन टू सीन और डायलॉग टू डायलॉग हर चीज छाप के कुंजी बना दोगे। अबे ये पूरी की पूरी कास्ट इस शो की क्या दिमाग से स्कूटी पेप पे है क्या? साले सारे ही धीरे हैं। We have a lot of different things to offer to the Indian television. हाँ काफी सारी चीजें different हैं इस शो के अंदर. For example, The Vampire Diaries में जब भी full moon night होती है तो लौंडे कन्वर्ट हो जाते हैं वैम्पायर्स में. तेरे इश्क में गंडवों में जब भी full moon night होता है तो पता किस में कन्वर्ट हो जाते हैं लौंडे? महीजी भैंसों में. भैंसा बन जाता है बहनचोद, वहां से चांद निकला, वहां से वो भैंस बन गया सींग निकाल के. आज पूर्णमासी की रात है, पता नहीं कब होश गवा बैठूं और मां का बोल रहा है बहनचोद. आई गेस मैं हूं शांतनु. भेड़िए आ गए भेड़िए, मैं कौन चक बोला शो लेके भेड़िए आ गए गंडवे भेड़िए, भेड़िए आ गए भेड़िए, बहुत चोटी कटवाई हुई है. इतना खून तो कंगना ने ऋतिक का नहीं पिया होगा, इतना खून तो सोहेल और अरबाज मिलके सलमान भाई का नहीं पीते होंगे, इतना खून तो कनीज सुरका और ऐश्वर्या मोहन राज के स्टैंड अप कॉमेडी के जोक्स तुम्हारा नहीं पिएंगे, जितना खून ये सब मिलाकर तेरे इश्क में गंडवों का सिर्फ एक एपिसोड तुम्हारा पी जाएगा. तो बस आज इसी करण ऐसे इनके मारेंगे, मरे मेरे से शो नहीं देखा जा रहा ये ऑनेस्टली सेइंग में. So is it safe to say then that your character is somewhere inspired by Damon? थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है कि इनके और डेमन सेल्वेटोर के कैरेक्टर में क्या सिमिलैरिटीज थी, तो हम इनकी थोड़ी हेल्प कर देते हैं. ये देखिए मिस्टर, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें अपना खून पिलाने से पहले पूछ लेना चाहिए था. तो बताइए मिस्टर रिजेम्बलेंस है? अच्छा चलिए ये वाला क्लिप देख लीजिए, अब तो आपको रिजेम्बलेंस शायद पता लगी जाए. मैं वीर, अरमान का छोटा भाई. कोई नहीं मिस्टर, क्लिप और देख लीजिए. हेलो ब्रदर. हेलो ब्रदर. अभी भी रिजेम्बलेंस नहीं आई? अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा. क्या आई एम नॉट फाइन, ठीक नहीं हूँ मैं. अरे कश्मीरी गेट बस अड्डे की इलीना डी क्रूज, इस शो को देखने के बाद फाइन तो हम नहीं रहे, ये कोई मामूली शो नहीं है. इस शो को देखने के बाद तुम्हें हो जाएगा CVST यानी कि सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, इन शॉर्ट दिमाग में ब्लड क्लॉट. अपने मृत्यु के शेयर्ड ऑटो में और ले चल मुझे अमर होने के यमुना एक्सप्रेस वे पर. ये ऐसा लग रहा था ना वैम्पायर है, लग रहा था ना देख कि वैम्पायर है ना, लेकिन ये वैम्पायर है नहीं, क्योंकि ये शो डिफरेंट है ना. इस शो के अंदर ट्विस्ट नहीं है, इस शो के अंदर लकुआ है, ये पूरे का पूरा शो का लकुआ मारा हुआ है. ये वैम्पायर दिख रहे हैं लेकिन ये है भेड़िए. तुम हो कौन? तो गाइस तेरे वो का जो कॉन्सेप्ट और कहानी है वो नेवर सीन बिफोर, नेवर हर्ड बिफोर है. और कहानी बहुत ही सिंपल सी है इस शो की, और कहानी ये है कि भैया इस शो के मेकर्स एक रूम के अंदर इकट्ठे हुए, 8 रुपए में 250 ग्राम अफीम चाटी, आधी बोतल रुमाल पे डाली डाइल्यूटर की, सूंग के डिस्कशन शुरू कर दी कि इस शो की कहानी होगी कैसी. अरे लंडूरा सुनो, सिंपल सी कहानी है, तेरे इश्क में गंडा एम्पायर डायरीज को उठाओ, डायलॉग्स को ट्रांसलेट कर दो हिंदी से इंग्लिश में, शॉट टू शॉट एकदम जैसे उसमें शॉट लिया वैसे का वैसे इसमें कर देना, बिल्कुल ओरिजिनल कहानी लगेगी, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा. और हाँ बिल्कुल लोगों को बिल्कुल ही नहीं बताना ना कि क्या कर रहे हैं हम, तो इनको पता नहीं लगना चाहिए. तो एक काम करना, जो वैम्पायर है ना उनको बदल देना भेड़ियों से, दांत तो उसके भी लंबे इसके भी लंबे, किसी को जाट नहीं पता लगेगा. बन गई कहानी. द वैम्पायर डायरीज में वैम्पायर थे, तेरे शो में है भेड़िए, लेकिन जब तुम ये चुतिया पे के चाइनीज चेकर को अपने सामने टीवी पे चलता देखोगे ना तो तुम्हें कुछ ये दिखेगा.
कैरेक्टर्स इतने ज्यादा डिफरेंट हैं कि किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा और बिल्कुल भी ये तो लगेगा ही नहीं कि कॉपी है शो। टीवीडी में थे सेल्वेटोर ब्रदर्स, डेमन सेल्वेटोर एंड स्टेफन सेल्वेटोर, तेरे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। अरमान, मैं वीर, अरमान का छोटा भाई। द वैम्पायर डायरीज में था मेयर लॉकवुड, जो कैरियर था वेयरवुल्फ जीन का। इस शो के राइटर्स ने अपना आधा टेबल स्पून जो इनका दिमाग था वो चलाया और इस कैरेक्टर को बना दिया मेयर बाली। लेकिन मेयर बाली ना इच्छाधारी वेयरवुल्फ नहीं है, मेयर बाली है इच्छाधारी महिषी भैंसा। वैम्पायर डायरीज में थी कैथरीन, यहाँ पर है ₹17 में फुल प्लेट सिंगापुरी हाका नूडल्स जैसी काव्या। I blew off family night so that I can go to some party. I ended up getting stranded and they have to come pick me up. मैं जबरदस्ती सिर करके पार्टी पे चली गई और मजबूरन उन्हें मुझे आधी रात को पिक करने आना पड़ा और फिर उनका वहाँ पे थी बॉनी द विच और यहाँ पे इन्होंने बना दी महक द योगिनी। जब से एरिया जब से तुम्हारी परनानी की भी परनानी स्कूल जाया करती थी। अभी तो मैं तुम्हारे को इन्होंने जो पान मसाले का ब्रांड बनाया है श्याम तुलसी उसके बारे में आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ऑनेस्टली से एक पॉडकास्ट पे लक्ष्य चौधरी भाई साहब आए थे और मजा आ गया वो वाली सारी कॉन्वर्सेशन करके। उसका ट्रेलर देखो और जाके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को। तो तू लेफ्ट लीनिंग है राइट लीनिंग है आज बता ही दे। ट्विटर पे तो मैं लफड़े करने जाता हूँ, जहाँ मेरे को दिखे कि आज कांग्रेस वाले बीजेपी वाले को गाली बक रहे हैं तो किसी बीजेपी वाले को छेड़ दिया। 700-800 डीएम मेरे को आए हैं, गाली गलोच फोटोशॉप कर दी मेरी नंगी इमेज। द वैम्पायर डायरीज में एक बहुत ही पोटेंट हर्ब था जिसका नाम था वर्वेन और उसके अगर कॉन्टेक्ट में कोई भी वैम्पायर आया था तो वो जल जाता था। इन लोगों ने इसमें पता है क्या किया है? मार तो मुझे पर छोड़ो जिंदा। इन्होंने वर्वेन को बना दिया श्याम तुलसी। साला पान मसाले का ब्रांड बना डाला, श्याम तुलसी खाया। श्याम तुलसी इतना झूठ तो उर्वशी राउटेला ट्विटर पे नहीं बोलती होगी, इतना झूठ तो राम गोपाल वर्मा स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस को कास्टिंग काउच करने के लिए नहीं बोलता होगा, जितना झूठ ये चुतिया पे की चकाचौंध में जगमगाते जुगनू जैसे शो की कास्ट बोल रही है मीडिया में। डायलॉग्स बहुत अलग है हमारे शो के, हमारे डायलॉग्स अलग है। अरे कमला नगर की कैथरीन जीटा जोन्स ये देख। First and foremost, I'll need someone to escort me to the Founders Ball. With pleasure. बताओ मेरे साथ Founders Day Ball पे कौन आना चाहेगा? मुझे खुशी होगी। अगर इस शो के डायलॉग्स ओरिजिनल है ना तो मैं भी नोरा फतेही का दूर का बॉयफ्रेंड हूँ और परिणीति चोपड़ा ने पॉलिटिशियन से शादी अपनी रिटायरमेंट सेट करने के लिए नहीं करी। ये लड़की दिमाग से पैदल नहीं, ये लड़की दिमाग से घुटनों पर है, क्योंकि पहले इस लड़की ने सारे मीडिया इंटरव्यूज में ये खुलकर बोला है कि हम ना कुछ अलग कर रहे हैं, हम कॉपी नहीं कर रहे, यू नो अ स्टोरी व्हिच इज क्वाइट डिफरेंट। और फिर खुद एक रील पोस्ट करती है जहाँ पे ये बोल रही है देखो मैं कैसे टीवीडी की एलेना में टर्न हो जाती हूँ इंडियन वर्जन। How I turn into Elina Gilbert, that's Isha Sharma for you guys. That's Elina Gilbert, I mean Isha Sharma for you. Pretty interesting, pretty difficult character. अबे अभी बास के जूते, पूरे के पूरे शो में तूने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेटेड डायलॉग्स पढ़े हैं, इसमें कौन सा चैलेंजिंग कैरेक्टर हो गया? This show is spectacular when it comes to visuals. ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो इस शो के विजुअल्स है ना वो बिल्कुल स्पेक्टेक्युलर है, क्योंकि जब तुम वो विजुअल्स देख लोगे ना तुम्हारे को गूज़बम्स आ जाएंगे कहां पे झाटों में। VFX शो में दिखाने के लिए इन्होंने कोई भी एक्सपेंस को स्पेयर नहीं किया, फुल खर्चा किया, पेड वर्जन खरीदा है किसका, MS पेंट का। और वो उसे पूरा करने के लिए हर हद पार करता है। And by God in the name of Jesus Christ, in the love of the Ram Mandir ki kasam, by God, my man, इस शो के अंदर जो तुम देख लोगे ना फाइट सीन्स, वाह क्या फाइट सीन है। कहते हैं ना ड्रैकुला खाली दो चीजों से मर सकता है, या तो उसको भाला मार दो दिल के अंदर, या तो चांदी की बुलेट मार दो, तीसरी चीज से भी मर सकता है वो इस शो का फाइट सीन देखने के बाद। थैंक गॉड इस शो के खाली 52 एपिसोड जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ, अगर 52 से 53 हो जाते ना तो लोग सड़क पे पकड़ के पेलते और भेड़िया बना देते। शो थर्ड क्लास तो है ही है, साथ ही साथ ब्लेटेंटली कॉपीड भी है, लेकिन इसकी पूरी की पूरी कास्ट इतनी ज्यादा स्नूटी है, जितने भी मीडिया इंटरव्यू देख लो स्पेशली तरह साहब जहां पे भी वो बोलना शुरू करते हैं उनको लगता है कि भैया वो इंडियन टीवी के सबसे बड़े कलाकार है, जबकि वो बेसिकली इंडियन टीवी का अर्जुन कपूर है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट गाइस, वेरी सीरियस नोट का तुम करोगे क्या, वो तो ये लुल्ली पिशाच अपनी श्याम तुलसी में घोल के घटाघट मेंगू लस्सी की तरह पी गए। ये सारे शोज देख के लगता है कि इंडिया अभी भी 1997 में ही फंसा हुआ है टीवी पे, मतलब OTT पे इतनी जबरदस्त चीजें बन रही हैं और टीवी पे आज भी यही ढाक के 3-5 चीजें बन रही हैं और इनको पैसा कौन दे रहा है ये सब करने के लिए। तो भैया मैंने तुम्हें करा हुआ था इस शो का रोस्ट, प्रॉमिस तो ये रहा वो रोस्ट, लेकिन तुम्हारे को मेरा दर्द नहीं समझ आएगा।
मैं इस गली में घुस तो गया लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस गली में जो कुत्ते हैं वो इतने पागल हैं और इतना ज्यादा काट लेंगे मेरे को। मैंने तुम्हारे को आगाह कर दिया कि भैया आगे बढ़ने से पहले इस गली के अंदर पागल कुत्ते हैं, वहां जाना ना जाना तुम्हारी डिस्क्रिप्शन है। जाने से पहले ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। तब तक के लिए अगले हफ्ते मिलते हैं मामा मियां लज़ानिया पप्पी, बाय बाय। भेड़िया हुआ भेड़िया बहुत चोट चोटी बैठ बैठ।